हेलो फ्रेंड, शशि शुक्ला डॉट कॉम किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कटहल की बिरयानी बनाना बताने जा रही हूँ। तो इसके लिए देखिए, मैंने ये 300 ग्राम कटहल ले लिए थे और इसके मैंने टुकड़े काट लिए हैं। इसको अच्छे से धो लिया है और सुखा लिया है। अब हम इसमें कुछ मैरिनेट, इसको मसाले में मैरिनेट कर देंगे। तो मैंने इसमें देखिए 1 चम्मच अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया है। थोड़ा सा हम सूखा धनिया डाल देंगे, 1 चुटकी हल्दी डाल देंगे, लाल मिर्च हम डाल देंगे 1 छोटा चम्मच और आधा छोटा चम्मच हम गरम मसाला डाल देंगे। थोड़ा सा नमक डालेंगे हम, ये देखिए, और इसको हम मैरिनेट करके और इसको हम आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे कम से कम। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे, तब तक हम और तैयारी कर लेते हैं। तो चलिए इसको हम ढक के छोड़ देते हैं आधे घंटे के लिए। फ्रेंड, जब तक हमारा कटहल मैरिनेट हो रहा है, हम प्याज फ्राई कर लेते हैं, ब्राउन कर लेते हैं। हमें बिरयानी के लिए चाहिए होगा, ये देखिए हम ऐसे पतला पतला लंबा लंबा काट लेंगे। ये मैंने 4 प्याज मीडियम साइज की काट ली है और इसको हम थोड़ा सा ऐसे अलग अलग कर देंगे और फिर हम तेल चढ़ा देंगे एक साइड में, तेल गर्म होने के लिए। तो चलिए हम प्याज काट के तेल गर्म होने के लिए चढ़ाते हैं। फ्रेंड, ये देखिए तेल हमने चढ़ा दिया था, तेल गर्म हो गया है। इसमें हम प्याज डाल देंगे और इसको लगातार चलाते हुए हम ब्राउन होने तक तलेंगे। ये अभी आपको तेल ज़्यादा लग रहा होगा, तेल हम निकाल देंगे, बस प्याज तलने तक ही तेल हम रखेंगे, बाकी हम तेल छान लेंगे। तो चलिए हम इसको भूनते हैं। इसमें आपको 8 से 9 मिनट लग जाएंगे प्याज को अच्छे से ब्राउन होने में। तब तक आप चावल भिगा दीजिएगा, जितना आप चावल आपको बिरयानी बनाने के लिए रिक्वायरमेंट है उतना चावल भिगा दीजिएगा। मैंने 2 कप चावल भिगा दिया है। 1 घंटे के लिए कम से कम चावल भी भिगा के रख दीजिएगा, एक नहीं तो आधा घंटा तो कंपलसरी है भिगाना। ये देखिए फ्रेंड, धीरे धीरे इसमें कलर आना शुरू हो गया है, लगातार चलाते हुए ऊपर कलर लेके आएंगे। हमें इसको गोल्डन ब्राउन होने तक कलर देना है। फ्रेंड, ये देखिए हमारी प्याज तल चुकी है, अब हम इसको निकाल देते हैं। ज़्यादा देर अगर हम इसको तेल में छोड़ेंगे तो ये जल जाएगी। थोड़ी देर ये वैसे भी पकती रहेगी क्योंकि गर्म तेल से हम इसको निकाल रहे हैं। अब हम इसको निकाल के एक छन्नी पे रख देंगे और तेल से सारा ड्रेन हो जाए। फ्रेंड, प्याज तल चुकी है, अब हम ये कटहल डाल देंगे जो मैरिनेट करके हमने आधे घंटे के लिए छोड़ा था। इसको भी हम ब्राउन होने तक तल लेंगे। हमें इसको तलना नहीं है, सिर्फ फ्राई करना है। हमने थोड़े तेल में इसको डाला है और इसको अच्छे से हम पलट पलट के फ्राई करेंगे। चलिए हम इसको फ्राई कर लेते हैं, इसमें भी 7 से 8 मिनट लग जाएगा। इसको भी हम फ्राई करके साइड में रख लेते हैं। फ्रेंड, ये देखिए जब तक हमारा कटहल फ्राई हो रहा है, इस साइड में मैंने पानी रख दिया। इसमें हम चावल उबालेंगे। पानी मैंने चावल का 3 गुना रखा है और इसमें मैंने 2 हरी मिर्च सिर्फ डाल दी है और नमक डाल दूंगी, थोड़ा सा तेल डालूंगी और उसके बाद जब इसमें बॉयल आ जाएगा तब हम चावल को पकाएंगे। तो चलिए, मैंने इसमें हरी मिर्च डाल दी है, थोड़ा सा हम इसमें नमक डाल देते हैं। 1 बड़ा चम्मच मैंने नमक डाल दिया है और हम इसमें थोड़ा सा तेल डाल देंगे, 1 टीस्पून के लगभग हम इसमें तेल डाल देंगे। पानी के उबलने का वेट करते हैं जब तक हमारा कटहल भी भुनेगा। कटहल को हमें 60-70% ही कुक करना है, ज़्यादा हमें कुक नहीं करना है, और राइस को भी हमें 70% ही कुक करना है। फ्रेंड, इधर हमारा कटहल भुन चुका है, गैस को अब हम बंद कर देते हैं, कटहल को साइड में निकाल देंगे और इधर हमारा पानी भी बॉयल होने वाला है, इसमें हम फिर चावल डालेंगे। जब तक हमारा चावल बॉयल हो रहा है, हम 3 टमाटर मीडियम साइज के, ये देखिए हमने ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं, 3 टमाटर काट के रख लेंगे और 1 प्याज हम बारीक बारीक चॉप करके रख लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, पानी उबल गया है, अब हम इसमें चावल डाल देंगे और इसको हम 70% ही कुक करेंगे। तो चलिए हम चावल डाल के और इसको पकने देते हैं। 70% चावल आपको जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही लीजिएगा। मैंने लगभग 2 कप चावल लिया है, 2 कप जिस कप से लिया है लगभग ये 300 ग्राम चावल होगा। तो अब हम इसको पकने देते हैं। फ्रेंड, जब तक हमारे चावल उबल रहे हैं तब तक हम तैयारी कर लेते हैं मसाले की। हम 2 बड़े चम्मच इस कढ़ाई में घी डालेंगे। मैं घी में ही बनाऊंगी, अब आगे का सारा घी में बनाऊंगी। तो 2 बड़े चम्मच मैंने इसमें घी ले लिया है, इसको मेल्ट होने देते हैं। फ्रेंड, आपने देखा होगा चावल में हमने कोई खड़ा मसाला नहीं डाला है, इसलिए नहीं डाला है चावल का कलर चेंज ना हो, चावल हमें बिल्कुल वाइट ही चाहिए, तो इसलिए हमने कोई इसमें मसाला खड़ा नहीं डाला है। और एक आप और काम करिएगा, 2 चम्मच दूध में आप केसर भिगा के रख लीजिएगा अगर हो तो, नहीं है तो आप ऑरेंज फूड कलर भी ले सकते हैं। चलिए, घी गर्म हो गया है, इसमें हम कुछ खड़े मसाले डाल देते हैं। फ्लेम को हम धीमा कर लेंगे। 2 तेज पत्ता, ये फूल चक्री, आधा छोटा चम्मच मैंने जीरा ले लिया है,
थोड़ी सी जावित्री ले ली है, और ये देखिए एक बड़ी इलायची, तीन छोटी इलायची, तीन लौंग ले ली है मैंने, एक दालचीनी का टुकड़ा ले लिया है, इसको हम थोड़ा सा ब्राउन होने देते हैं, चार से पांच मैंने काली मिर्च ले ली है, ये देखिए थोड़ा सा ये मसाला खड़ा पक जाएगा, फिर हम इसमें प्याज ले लेंगे। ये देखिए मैंने एक प्याज बिल्कुल बारीक चॉप करके ले ली है, और इसको हम ब्राउन करेंगे अच्छे से। प्याज को हमें लाइट ब्राउन करना है, ये वाली प्याज को लाइट ब्राउन करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स प्याज ब्राउन हो गई है, अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे, फ्लेम को थोड़ा धीमा कर देंगे, और मसाले भी हम ऐड करेंगे, थोड़ा सा टमाटर को मिक्स कर देंगे ताकि हमारी प्याज जले नहीं टमाटर के जूस से। अब हम इसमें मसाले डालते हैं, एक बड़ा चम्मच मैंने लाल मिर्च ले लिया है, धनिया पाउडर दो चम्मच इस चम्मच से ले लिए हैं, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर ले लेंगे हम, चुटकी भर हल्दी ली है मैंने, ज़्यादा हल्दी हम नहीं लेंगे, नमक हम डाल देंगे आधा छोटा चम्मच, ध्यान रखिएगा आपने चावल में भी डाला है और कटहल को भूनते समय भी डाला है, तो चलिए इसको हम थोड़ा सा भून लेते हैं जब तक कि हमारा टमाटर थोड़ा गल ना जाए, इधर हमारे चावल भी लगभग पकने वाले हैं। ये देखिए फ्रेंड चावल उठा के हम देख लेंगे, चावल हमारा लगभग 70% तक डन हो चुका है, अब हम इसको छान लेंगे चावल को, आप थोड़ा पानी रखिएगा, पूरा पानी मत फेंकिएगा, तो चलिए हम इस चावल को छान के और थोड़ा सा पानी भी रख लेते हैं इसका। फ्रेंड ये देखिए टमाटर और मसाले हमारे अच्छे से भून चुके हैं, इसमें हमने 200 ग्राम के लगभग इसमें दही डाल दिया, और इसको अच्छे से हम पकाएंगे जब तक कि ये हमारा मसाला तेल ना छोड़ दे। दही बहुत ज़्यादा खट्टी हम नहीं लेंगे, थोड़ी देर हम इसको 2 से 3 मिनट पकने देंगे, तब तक हमारा मसाला तेल छोड़ देगा। फ्रेंड मसाला पकने के बाद हम इसमें ये कटहल डाल देंगे, और स्लो फ्लेम पे हम इसको 5 से 7 मिनट पकने देंगे, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे। इसी मसाले के साथ में हमने आधी जो ब्राउन प्याज की हुई थी वो आधा मैंने इसमें डाल दिया है, आधा मैं बाद में ऐड करूंगी जब लेयरिंग करूंगी। फ्रेंड 5 से 6 मिनट हो गए हैं, और हमारा ये मसाला भी अच्छे से भुन गया, कटहल भी अच्छे से भुन गया। फ्रेंड एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई थी, मैंने इसमें प्याज भुनने के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाला था, वो दिखाना स्किप हो गया था, तो इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ, जब आपकी प्याज भुन जाए 80% प्याज भुन जाए, जब आपकी जो हमने बारीक काट के डाली थी उसके 80% भुनने के बाद आप इसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डाल दीजिएगा 1 चम्मच। तो ये देखिए अब हमारा ये अच्छे से भून चुका है, हम इसमें से हाफ निकाल देंगे और हाफ इसी कढ़ाई में रहने देंगे। ये देखिए फ्रेंड हाफ मैंने अलग निकाल दिया है, ये देखिए, और हाफ मैंने इसी में रहने दिया है। अब मैं नीचे एक परत इसकी बिछा दूंगी, थोड़ा सा मैं ये पानी डालूंगी, ये देखिए ये जो चावल का पानी था वो मैं डाल दूंगी, और अब मैं लेयरिंग करूंगी, एक लेयर में चावल की डाल दूंगी, ये देखिए ये ऐसे चावल की एक लेयर बिछा के फिर मैं इस पे थोड़ा सा ये जो हमने ब्राउन की हुई प्याज है वो डाल दूंगी, थोड़ा सा मैं इस पे धनिया पुदीना ये मैंने काट के रखा है वो डाल दूंगी, और फिर ये देखिए ये दूध है इसमें केसर डाला है, और मैंने 1 चम्मच इसमें केवड़ा जल भी डाला है, ये डाल दूंगी मैं, तो 2 चम्मच मैंने ये डाल दिया है। फिर से मैं ये कटहल की लेयरिंग करूंगी, ऐसे ही फिर से उसके ऊपर चावल की लेयरिंग करूंगी। ये देखिए फ्रेंड कटहल की लेयरिंग कर दी है मैंने, और ये मैं ये पूरे चावल अब डाल दूंगी इसके ऊपर, फिर से ये धनिया पुदीना जो बाकी बचा हुआ है वो डाल दूंगी, और ये जो दूध और केसर केवड़ा जल है ये डाल दूंगी, और फिर से ये प्याज डाल दूंगी। अब हमें इसको ढक के दम पे पकाना है, मैं आपको बताती हूँ कैसे हमें इसको दम लगाना है। फ्रेंड थोड़ा सा हम इसमें ये पानी डालेंगे, जो हमने चावल का पानी था वो मैंने 2 बड़े चम्मच लगभग डाल दिया है। अब हम इसके किनारे किनारे आटा लगा देंगे, गुथा हुआ आटा, फिर इस पे हम ढक्कन लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड हम ये इसके साइड में आटे की लेयर लगा देंगे, उसके बाद हम इस पे ढक्कन लगाएंगे। ये देखिए आटे की लेयर लगाने के बाद हम इसको कस के ऐसे ढक देंगे ताकि बिल्कुल इसमें से गैस ना निकले, और नीचे हम कढ़ाई के नीचे हमें तवा रख देना है कि बिल्कुल हमारा चावल जो बिरयानी है वो लगे नहीं, और एकदम फ्लेम को हम पहले हाई करेंगे, थोड़ा सा इसमें स्टीम बन जाएगी, उसके बाद हम इसको लो कर देंगे। कढ़ाई के नीचे तवा रख दिया है।
फ्रंट थोड़ा सा आटा मैं इस पे भी लगा लूंगी, अगर आपके ढक्कन सिंपल सा है तो उस पे कोई जरूरत नहीं है, यहाँ भी लगा लूंगी ताकि हमारी स्टीम कहीं से निकले नहीं। अब इसमें स्टीम बन गई है, 2 मिनट लगा है। अब मैं गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो करके और इसको 7 से 8 मिनट ऐसे ही पकने दूंगी और बिल्कुल इसको हमें छूना नहीं है राइस को। फ्रेंड 20 मिनट हो गए हैं बिरयानी को पकते हुए, अब हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे, लेकिन अभी तुरंत हम खोलेंगे नहीं इसको, हम 10 मिनट ऐसे ही छोड़ देंगे उसके बाद हम इसको खोलेंगे। फ्रेंड 10 से 15 मिनट हो गए हैं इसको बंद करने के बाद मैंने रेस्ट देते हुए, अब हम इसको खोल देंगे। ये देखिए खोलेंगे और इसके आटे को हम पहले क्लीन कर लेंगे जो हमने साइड में लगाया था। अब फ्रेंड हम इसको ऐसे नीचे से निकालेंगे और इसको हम प्लेट में सर्व करेंगे। ये देखिए नीचे से बिल्कुल मसाले भी आ रहे हैं और कटहल का टुकड़ा भी आ रहा है। ऐसे हम इसको प्लेट में रखते जाएंगे, बहुत हम इसको मिक्स नहीं करेंगे। ये देखिए फ्रेंड हमारी कटहल की बिरयानी तैयार है, मैंने इसको प्लेट में लगा दिया है थोड़े से धनिया के पत्ते के साथ, ऐसे ही मैं गार्निश कर दे रही हूँ। और मैंने इधर दही लिया है, उसमें लाल मिर्च, काला नमक और जीरा डाल दिया है। इसके साथ हम बिरयानी के साथ दही लेंगे कटहल की। फ्रेंड जैसे मैंने बताया है रेसिपी को फॉलो करिए और जो जो मैंने ट्रिक्स एंड टिप्स बताई हूँ उनको फॉलो करिएगा, आपकी बिरयानी बहुत अच्छी बनेगी। फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, और आप बना के मुझे ट्राई करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।